चीन को उसकी हरकतों का जवाब कैसे दिया जाता है, ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बखूबी जानते हैं। विदेश मंत्री की बातों का तोड़ न चीन के पास कभी था और न कभी होगा। अब एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर बयान दिया है। विदेश मंत्री ने चीन के साथ रिश्तों को असामान्य बताया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में चीन ने भारत के साथ सीमा समझौते की अवहेलना की, जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा है। स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते और इसमें परस्पर सम्मान होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी देशों के साथ उसके संबंध बिना शर्तों के आगे बढ़े। बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर डोमिनिकन गणराज्य देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर सेंटो डोमिंगो पहुंचे थे। यहां अपने एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी, संपर्क और सहयोग में बड़े पैमाने पर विस्तार देखा है। उन्होंने कहा कि भारत के अधिकतर देशों से संबंध अच्छे हैं, चाहे वो अमेरिका, यूरोप, रूस या जापान हो। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी संबंध बिना किसी शर्त पर आगे बढ़े। चीन से वर्तमान में हमारे संबंध सामान्य नहीं है, क्योंकि वह लगातार सीमा पर उल्लंघन करता रहता है। गौरतलब है कि भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती और उसके आक्रामक रवैये की आलोचना करता रहा है। यहां चीन और भारतीय सैनिकों के बीच लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। 5 मई 2020 को पेंगोंग लेक क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद गतिरोध को खत्म करने के लिए कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। चीन में भारत के राजदूत रहे जयशंकर ने कहा कि किसी भी देश के संबंध एक तरफा नहीं हो सकते और इसे बनाए रखने के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो दुनिया के देशों की भलाई के लिए सामूहिक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। इस साल G20 की हमारी अध्यक्षता वैश्विक विकास की वास्तविक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित है। जयशंकर ने कोलंबिया में एक सम्मेलन में कहा कि लैटिन अमेरिका के 4 देशों की उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत के सहयोग के स्तर को और अच्छा करना है। उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच सालाना व्यापार $50 अरब तक पहुंच रहा है। हमारी कंपनियां ऊर्जा, खनन से लेकर कृषि और ऑटो क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य में भारत के दूतावास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह द्विपक्षीय सहयोग को एक नया आयाम देगा। दूतावास के उद्घाटन समारोह के दौरान डोमिनिकन के उपराष्ट्रपति समेत कई नेता मौजूद रहे। इस समारोह के बाद जयशंकर ने कहा कि हमारे राजनीतिक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं और हम बहुपक्षीय क्षेत्रों में अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करेंगे। बता दें, भारत ने आधिकारिक तौर पर 2022 में सेंटो डोमिंगो में अपना दूतावास स्थापित किया था।